दोस्तों, इसरो फिर से एक नया सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है जिसका नाम GISAT-1 है। तो चलो इस वीडियो में आपको बताते हैं GISAT-1 के बारे में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को शेयर करो, जो करना जल्द से जल्द करो, चैनल को सब्सक्राइब यार करो। तो चलो शुरू करते हैं। GISAT-1 जियो स्टर्नी ऑर्बिटर से पृथ्वी की निगरानी करने वाला देश का पहला सेट ऑफ द अर्थ सैटेलाइट है। यह उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित होगा। इसका उपयोग निगरानी करने के लिए होगा। श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगी। यह पृथ्वी की निगरानी करने वाले देश का पहला उपग्रह होगा। इसकी उड़ान फर्स्ट डे को शाम 5:43 पर उड़ान भरेगी। इसरो GSLV-F10 लॉन्च व्हीकल से इमेजिंग सैटेलाइट थर्सडे को शाम 5:43 को श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगी। GISAT-1 जियो स्टनी ऑर्बिटर से पृथ्वी की निगरानी करने वाला देश का पहला सेट ऑफ द अर्थ सैटेलाइट है। यह उपग्रह पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित होगा। इसका उपयोग निगरानी करने के लिए होगा। GISAT-1 पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद हर 2 घंटे में अंतराल पर वापस अपने स्थान पर लौटेगा। यह तेजी से साफ पृथ्वी की तस्वीर लेने के साथ ही कड़ी निगरानी करेगा। वैज्ञानिकों को ये भी मानना है कि इस उपग्रह की खासियत यह है कि बिंदु पर लंबे समय तक नजर रख सकता है। लॉन्चिंग प्रक्रिया में कुल 18:39 का समय लग सकता है। थैंक यू। कमेंट करके बताओ कि इसरो का यह सैटेलाइट कैसा लगा आपको। जल्द से जल्द कमेंट करो, लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, सबको पता चलना चाहिए सैटेलाइट के बारे में। लाइक कर दो, कमेंट कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, जो करना करो। मैं चला, बाय।